और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। अरे दादा रे, नहीं 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 बस 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 रोक सर मेट्स योर बॉय अजरोक सजियर और एक और गेम प्ले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस ये वाला गेम प्ले देखकर आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एंड तक देखना, आपको मतलब रश देखने को मिलेगा, फन देखने को मिलेगा और अच्छी खासी आपको फाइट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं उतरा था सनफ्लावर मार्केट, यहाँ पर मैंने देखा एक बंदा, उसे मैंने नॉक किया और तभी मेरे को एक और बंदा दिखाई दिया, उसे देखो कैसे मारते हैं, और उस भाई को भी मैंने आराम से मार दिया। लेकिन इस छत पर और भी ज़्यादा बंदे थे, तो इस भाई को मैंने डैमेज दिया और वो तो निकल लिया खिड़की से, और ये भाई को मैंने आराम से यहाँ पर ठोक दिया, इसकी गन उठाई और अब मैं वापस से वेट करने लगा और बंदे का। और सही बताऊँगा इस यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, तो एक स्कैन आया तो मैं समझ गया मैं भी स्कैन हो चुका हूँ। नीचे गया, नीचे मेरे को एक बंदा दिखाई दिया, उसे मैंने नॉक किया क्योंकि एक एनिमी ने दूसरे एनिमी को अच्छा खासा डैमेज कर दिया था और थोड़ी बहुत गोली मैंने उसे दे दी, तो वो बंदा इजी पीजी नोक हो गया। अब यहाँ पर मैं सर्च कर रहा था कि मेरे को अच्छी खासी और एमोज मिल जाए, कोई गन मिल जाए दूसरी, है ना, जिसकी स्किल अच्छी हो, तो मेरे को कोई भी नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर नीचे जाते हैं फाइट लेते हैं, तभी मुझे ये दिखाई दिया बंदा, और ये बंदा अच्छा खासा डैमेज था, तो ये सोचा कि थोड़ा छुप जाए, लेकिन मैंने उसे आराम से यहाँ पर नॉक कर दिया। इसके बाद मैंने उसके जो बम था वो फेंक दिया और भाई साहब उसे थोड़ा बहुत डैमेज लगा, फिर वो धीरे धीरे सरक के वो पिल्लर के पास चले गया। उसके बाद मैंने उसे पूरा मार दिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उलट लूटा और तभी मेरे पीछे एक वार स्पाइडर आई, तो मुझे लगा वो फाइट लेगा, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा उसे मैंने डैमेज क्या दिया, वो तो पहली फुर्सत में निकल लिया। अब भाई वो तो जा चुका था, लेकिन यहाँ पर अभी बंदे समाप्त नहीं हुए थे। अब यहाँ पर मुझे हल जला रही थी, कोई बंदा शील्ड लगा रहा था अपनी, और ये था वो बंदा, फाइनली मैंने इसे भर दिया। और यहाँ पर एक और बंदा था जो कि नोक पड़ा हुआ था, शायद इसे नहीं नोक किया होगा, और यहाँ पर मैंने उसका किल भी चोरी कर लिया और यहाँ पर मुझे इजी पीजी दो किल मिल गए। गाइस मुझे अभी किसी के जेट पैक करने की आवाज आई और भाई साहब यहाँ पर था एक और बंदा। अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने देखा एक बंदा यहाँ पर, और एक बंदा जेट पैक का यूज करके ऊपर चले गया था, तो मुझे वो दिख गया था। अब देखो गाइस उसे भी कैसे मारते हैं। और बूम, यहाँ पर इस बाइक को भी मैंने आराम से ठोक दिया। तो गाइस इसी के साथ ही आज का हमारा लाइक है मैं 200 का, होप कि आप लोग करा दोगे। पहले बार आए हमारे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर करना जो कि फैला 24 खेलते हैं। तो गाइस एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से करना। अब धीरे धीरे गाइस मैंने ये वाली कार उठा ली थी और स्कैनर में मैंने स्कैन लगा दिया था और एक बंदा मुझे दिखाई दिया जो कि मेरे एकदम सामने था, वार स्पाइडर लेकर घूम रहा था ये। अब देखो गाइस इसे कैसे मारते हैं, मतलब ईजी पीजी। ये पुल ट्राई कर रहा था भागने की, लेकिन मैंने आराम से उसे स्प्रे देकर ठोक दिया। इसके बाद इसकी मैंने क्रेट लूटी और यहाँ पर अब कोई भी बंदा नहीं था, तो मेरे को कोई भी साउंड नहीं आ रहा था, मतलब कोई फायर नहीं आ रहा, कोई साउंड नहीं आ रहा, तो ये गाड़ी पड़ी थी इसे उठाया, वापस से मैं जा रहा था सिटी प्लाजा के तरफ और रास्ते में मुझे एक बंदा दिखाई दिया। और मैंने आराम से इस भाई को भी ठोक दिया, इसके बाद इसे मैंने मार दिया पूरा और इसके बाद मैंने लूटा इसे। लूटने के बाद मैंने वापस से गाड़ी उठाई और गाइस अब तुम देखने वाले हो बेहतरीन वाली फाइट। तो मैं गया अब सिटी प्लाजा और भाई साहब सिटी प्लाजा में अलग ही बंदे थे।
जो कि मेरा शायद इंतजार कर रहे थे। और भाई साहब आते ही मुझे बंदे ही बंदे दिखाई दिए। देखो एक बंदा ये रहा और एक बंदा मेन बिल्डिंग में से हमें फायर कर रहा था, और तभी यहाँ पर एक और गाड़ी आई। अब देखो एक बंदा टावर से मार रहा है, जो कि मेरे को दिख गया था, मतलब उसकी जो बीम थी ना उससे मुझे पता चल गया था वो एक बंदा टावर पे था। मैं और भी बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि सामने वाले घर में तो नहीं है कहीं, और तभी एक बंदा मेरे को दिखाई दिया जो कि जेट पैक का यूज़ करके भाई साहब ऊपर जा रहा था, और उस भाई को मैंने ठोक दिया, लेकिन एक बंदा अभी भी वहां पर जिंदा था। अब देखो यहां से मेन बिल्डिंग से भी फायर हो रहा था, मैंने इग्नोर किया भाई, पहले अपने किल को सिक्योर किया और उस भाई को ठोक दिया, जंप पैड को यूज किया, फटाफट से ऊपर गया और वो बंदा ऊपर ही था। थोड़ा बहुत डैमेज दिया उसके बाद, वाइड रो उसने चला दी। इसके बाद मैं वापस से नीचे आया, मैं क्या देखता हूँ कि वो बंदा वापस से नीचे आया, इसके बाद वो बंदा वापस से ऊपर चले गया। ये क्या हो रहा था मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे को रुकना पड़ा क्योंकि जंप पैड लोड होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर सोचा कि चलो फिर शील्ड लगा ही लेते हैं, और वो बंदा पोर्क्यूपाइन की स्किल का यूज़ करके ग्रेनेड फेंका मेरे पे। देखो ये बगल में फूटा। इसके बाद जंप पैड लोड हो चुका था, मैं वापस से ऊपर गया और वो बंदा नीचे उतर चुका था। देखो यहाँ पर एक ही बंदा नहीं था, मेरे को दिख गया था एक बंदा, लेकिन एक बंदा अभी भी था वो एक और जंप पैड के पास। तो वापस से वो आया, अब की बार वो नीचे चले गया, तो मैं भी सोचा फिर नीचे चलते हैं और उसको यहाँ से फायर देने की कोशिश करता हूँ। उसकी मैंने शील्ड तोड़ दी 72 का, यहाँ पर वो रह गया था, और भाई साहब थोड़ा बहुत मैं अब गोली उसे मार देता तो वो बंदा आराम से मर जाता। अब यहाँ से देखो मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चढ़ ही नहीं रहा था मेरा करेक्टर। इसके बाद में जो पीछे से आवाज़ आई, लेकिन मेरे को पीछे बंदा नहीं दिखा, फटाफट से मैं उधर ही फोकस करने लगा जहाँ पर वो बंदा गया था। तो जंप पैड लोड हो चुका था यहाँ पर, तो मैं जंप पैड का यूज़ किया और पीछे देखा, पीछे मेरे को एक बंदा दिखाई दिया। अब यहाँ पर मैंने उस भाई को आराम से डैमेज दे दिया था। इसके बाद वो चले गया मेन बिल्डिंग के दूसरी तरफ। मुझे लगा इस वाली बिल्डिंग में बंदा है, मतलब इस वाले घर में बंदा है, तो मेरे को यहाँ से कोई बंदा नहीं दिखा, मैं अंदर गया। तो इसके बाद मैं वापस से जंप पैड का यूज़ किया और वापस से टावर पे गया। अब यहाँ से मैं बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, इसके बाद जोन आ गया था, फिर मैं वापस से नीचे उतरा और भाई साहब मेन बिल्डिंग वाला बंदा वापस से मुझे डैमेज देने लगा। और अब की बार मैंने उसे थोड़ा चुप कर दिया कि भाई थोड़ा शांत हो जा, पहले जोन में से निकल, अब वो बंदा ये सोचेगा कि जोन में कैसे निकलना है फटाफट से। तो उसको मैंने इग्नोर किया और सामने मेरे को एक वार क्रैप दिखाई दी। अब देखो गाइस जोन आ रहा था, जोन भी श्रिंक हो चुका था, तो मेरे को भी जोन के अंदर जाना था, तो फटाफट से मैं इधर से जा रहा था जोन की तरफ। लेकिन मैं ये भी जानता था वो जो वार क्रैप वाला बंदा है वो ज़रूर मेरा वेट कर रहा होगा। तो ये वाली गाड़ी उठाई और मैं जा रहा था, तभी रेड जोन मेरे पे फट गया। तो भाई साहब मैं कन्फ्यूज हो गया भाई दूसरी गाड़ी कहाँ है, तो मेरे को दिख गया वो बंदा वार क्रैप वाला। अब गाइस इससे मेरी फाइट होने वाली है, अब तुम फाइट को इन्जॉय करो। और फाइनली गाइस ये भाई भी यहाँ पर आराम से नॉकआउट हो जाते हैं, ये डायरेक्ट फिनिश नहीं हुए थे तो नॉकआउट हो गए, इसके बाद ये फिनिश हो गए। अब यहाँ पर मेरे को जाना था जोन के अंदर क्योंकि जोन काफ़ी डैमेज दे रहा था, तो फटाफट से मैं जोन के अंदर जाने के लिए ये कार मंगाया और भैया सीधा निकल लिया जोन के अंदर, क्योंकि जोन खतरनाक ही डैमेज दे रहा था। इसके बाद मैं अच्छे से जोन के अंदर आ चुका था और यहाँ पर पड़ी थी एक लाइटनिंग कार, तो
तो यहाँ पर मैं रुका, थोड़ा सा मैंने हिल गया क्योंकि हो सकता है कोई भी प्रो बंदा हो सकता है ना, तो थोड़ा रुका मैं, इसके बाद हिल गया, वापस से मैंने गाड़ी उठाई और यहाँ पर मैंने लगा दिया स्कैनर, और मेरे स्कैनर में यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। और गैस इस भाई को जैसे ही मारा, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए वापस से गाड़ी उठाई भाई और बंदे स्पॉट करने के लिए, मैं इस लोकेशन पे आया और भाई साहब मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिखाई दिया, मतलब कि अच्छा खासा प्रो था लूसीफर। कई बार मेरी फाइट हो चुकी है, अच्छा बंदा है, मतलब फाइट तगड़ी देता है। और गैस ये रहा वो बंदा, तो फाइट को इन्जॉय करो गैस, बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है हमारी। अब देखो गाइस, एक सेल मैंने भरा, इसके बाद मैंने जट गया और वो बंदा मेरे सामने। उसकी शील्ड मैंने तोड़ दी थी और भाई साहब यहाँ पर थोड़ी बहुत मेरी गोली कनेक्ट गई हवा में और भाई साहब उन भाई को मैंने आराम से भर दिया। अब गाइस धीरे धीरे यहाँ पर अब दो ही बंदे बचे थे, मतलब कि तीन बचे थे, और इस वाले घर के ऊपर मैं आया और सामने मेरे एक मोटरसाइकिल वाला बंदा था, उसे मैंने मारा। थोड़ी देर बाद एक और मोटरसाइकिल वाला बंदा प्रकट हुआ। फाइनली उस भाई को भी मैंने मार दिया, और जो आखिरी वाला बंदा था वो कहीं और ही था जो कि ऑटोमेटिकली टपक गया। तो गाइस इसी के साथ ही तुम्हारा भाई विक्ट्री हासिल करता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना जो फैटलिटी खेलते हैं, और 200 का हमारा लाइक है जरूर से पूरा करना।